महामारी के दौरान आउटसोर्सिंग में रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों में रोजगार छीनने का भय है। समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में समायोजित करने की मांग की गई है। COVID-19 एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक SP मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष हिमकर दीक्षित ने कर्मचारियों के साथ DM दफ्तर पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कहा कि महामारी फैलने पर NHM निदेशक के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति एवं आउटसोर्स से कर्मचारी रखे गए थे। डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, OT टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्वीपर आदि इसमें शामिल किए गए थे। COVID-19 से लड़ाई में इन कर्मियों ने जान की बाजी तक लगा दी है। अब बजट के अभाव में कब इन्हें हटा दिया जाए या कहा जाना बहुत मुश्किल। पदाधिकारियों ने इन कर्मियों को NHM में समायोजित करने, सरकार द्वारा आदेशित प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान करने, दुर्घटना एवं चिकित्सा बीमा का लाभ दिलाने और सेवा विस्तार करने की मांग की है। ज्ञापन देने में शुभम कुमार, सत्य प्रकाश, नीतीश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। S7 के लिए अनुपम मिश्रा के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। मैं SP मौर्य, जनपद रायबरेली से, COVID-19 एसोसिएशन का प्रदेश संरक्षक। वर्तमान समय में अभी हमारे पूरे प्रदेश में 75 जनपद में लगभग 2000 कर्मचारी कार्यरत हैं और समस्या इस बात की है कि हम लोग COVID-19 में रखे गए थे और काम कर रहे हैं, बशर्ते हम लोग चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आदेशित कर दिया जाए कि हम लोगों को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजित कर दिया जाए। भैया, मेरा परिचय, मैं हिमकर दीक्षित हूँ, LT सेम ऑफिस से। COVID-19 हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ था और उसके बाद हम लोग अभी भरे लॉकडाउन में कोविड हम लोगों ने काम किया है और हम लोग मांग DM साहब ये करने आए हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं समायोजित कर दिया जाए किसी न किसी उसमें जगह पे। और हम लोग इसी पर्पज़ से हम लोग DM साहब को ज्ञापन देने आए थे DM ऑफिस में। क्या कोरोना के बाद से आपको काम नहीं मिला है क्या? नहीं, काम मिला हुआ है, लेकिन कभी आए दिन 2 महीने बढ़ जाता है, कभी 1 महीने बढ़ जाता है। ये हम लोग स्थायी नहीं हो पा रहा है कि कहीं स्थायी हम लोग कर दिया जाए, तो इस पर्पज़ से हम लोग DM साहब को ज्ञापन देने आए थे।